हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हाल ही में हमारी भारतीय रेलवे ने दो डेमू ट्रेन के रेक नेपाली रेलवे को सौंपे थे। दोस्तों, ये जो डेमू ट्रेन के रेक थे, इन्हें चलाया जाना था जयनगर से लेकर जनकपुर तक के रेल लाइन पर। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि ये डेमू ट्रेन कब चलेगी, कब हमारे भारत के लोग नेपाल जा पाएंगे वाया जयनगर से होते हुए जनकपुर तक। अब दोस्तों, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, मीडिया सोर्सेज के मुताबिक जयनगर से जनकपुर के लिए डेमू ट्रेन 19 दिसंबर से चालू होने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि 19 दिसंबर को ऐसा क्या है कि इस दिन इस ट्रेन को चालू किया जाएगा, और दोस्तों इसी के साथ साथ किस मीडिया स्रोत ने इस खबर की पुष्टि की है। दोस्तों, सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं, और कोई भी शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कि 19 दिसंबर 2020 को ऐसा क्या है कि इस दिन इस ट्रेन को चालू किया जा रहा है। दोस्तों, यदि हम 19 दिसंबर का इतिहास देखें तो दोस्तों इस दिन विवाह पंचमी का दिन है, जो कि भगवान श्री राम और माता सीता जी के विवाह का दिन माना जाता है। दोस्तों, इसी कारण से भारतीय रेलवे और नेपाली रेलवे मिलके 19 दिसंबर को जनकपुर से जयनगर के लिए डेमू ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसकी पुष्टि किस मीडिया स्रोत ने की है। दोस्तों, इसकी पुष्टि जागरण प्राइवेट लिमिटेड ने की है। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो ब्लॉग लिखा है उसका आपको पूरा का पूरा ब्लॉग आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यहाँ पर ऊपर में ही लिखा हुआ है, जयनगर जनकपुर रेलखंड पर 19 से होगा ट्रेनों का परिचालन। और दोस्तों, यदि हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेल परियोजना का काम कर रहे भारतीय कंपनी के अधिकारी की माने तो 19 दिसंबर को विवाह पंचमी जयनगर वाया जनकपुर कुर्था तक प्रथम चरण में 31 किमी के रेलखंड पर डेमू ट्रेन का परिचालन शुरू होगा, कुछ नहीं कहा गया है। और दोस्तों, लेकिन अभी इस पर नेपाली रेलवे ने कुछ भी नहीं कहा, यह भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कार्य बहुत ही तेज गति के साथ किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में यह कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस बड़ी खुशखबरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।